उसी सिब्बी एमपीए सरदार सरफराज खान डोमकी के खसूसी फंड से तहसील लोहड़ी के देहातों में तामीर होने वाले साफ पानी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। आइए देखते हैं इस हवाले से सिब्बी में मौजूद यूनिटी न्यूज़ के खसूसी नुमाइंदे जायद हाशिम की ये रिपोर्ट। एमपीए सरदार सरफराज खान डोमकी के खसूसी फंड से तहसील लोहड़ी के मुख्तलिफ देहातों में तामीर होने वाले साफ पानी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। जिसमें कटपाल शरीफ गांव और गोड़तुनिया भी शामिल हैं। यहां की आवाम पीने का साफ पानी दूर दराज इलाकों से लाया करती है, जो आवाम के लिए सख्त तकलीफ देह है। इन आरओ प्लांट और प्रोजेक्ट से यहां के इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी उनके घरों तक फराम किया जाएगा, ताकि यहां की आवाम को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ अपने इलाके के एम पी ए सरदार सरफराज खान डोमकी साहब का, जिन्होंने यहाँ की आवाम की जो है तकलीफों को मद्देनजर रख के ये जो आवाम था यहाँ का, ये मीलों दूर से पानी ले आते थे, लेकिन अभी मीर साहब सरदार साहब की जो है मेहरबानियों से यहाँ पे जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो आरओ प्लांट नसब किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप दिखा सकते हैं तो ये बोरिंग सिस्टम भी हो गया है, और इस तरफ से जो है बाकायदा इस प्लांटेशन का जो है वो मशीनरी फिट हो रहा है। मैं इस वक्त जो है गांव तुनिया में खड़ा हूं। यहां की आवाम का जो है ये देरीना मुतालबा था, जो खसूसी तरजीही बुनियादों पे जो है एमपीए साहब सरदार सरफराज खान डोमकी साहब ने आवाम की इस देरीना मुतालबात को सरे फहरस्त रख के यहां की आवाम का जो पीने के पानी का मसला था उसको हल कर दिया है। अहले इलाका इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार है अपने एमपीए का। कैमरा टीम के साथ जायद हाशिम, यूनिटी न्यूज़, सिब्बी।